कैसी लगी? बहुत अच्छी पिक्चर, बहुत अच्छी। आप अपने बच्चे के साथ आए हैं, क्या सीख कर जा रहे हैं? एनिमल कैसे बनना है? एनिमल मूवी इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन इमोशन। ये देखकर बच्ची को क्या सीख? बच्चे को ज्यादा प्यार देंगे, वैसा ना बने। टाइम टाइम देंगे, राइट। कैसी लगी? बहुत मस्त, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, सुपर। कैसे लगी? फुल ऑन एक्शन है, बहुत अच्छी एक्शन है, बाप बेटे का प्यार है, अच्छी। आपको अपने डैड की याद है? बहुत बहुत बहुत। क्रेजी क्रेजी मूवी, क्रेजी मूवी, मस्ट वॉच, मस्ट वॉच। इट्स अ स्टोरी बिटवीन अ फादर एंड सन बॉन्ड, एंड मुझको लगता है कि बाप ने कभी कभी बेटों को इतना हक जता दिया है कि बेटे खुल करके अपना प्यार कभी शो नहीं कर पाते, इतना डरे हुए हैं कि वो कलेजे का टुकड़ा ऐसा बोलते हैं बेटे होते हैं, पर बेटों के लिए भी जिगरा होता है बाप। अगर बाप को कोई खरोच भी आए तो फिर तो ख़त्म समझो, तो ये होता है। लेकिन एक्चुअली में हम कभी कह नहीं पाते हैं एंड इमोशंस दिखा नहीं पाते। इस मूवी में वो इमोशंस दिखाया गया है, बाप बेटे की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बताई गई है। एंड मुझको लगता है कि आप अनिल कपूर को फील करना, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर, आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, आप जाओ एंड मूवी देखो, एक एक मिनट गूज़बम्स आएगा। मस्त मस्त है, वो शक्ति की याद आ गई मेरे, शक्ति पिक्चर देखे थे ना अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के, हाँ वैसा अनिल कपूर नहीं, बहुत अच्छे। पाँच में से कितना स्टार देंगे? पाँच में से पाँच। मूवी बहुत अच्छी है, रणवीर कपूर का काम बहुत अच्छा किया गया है और बॉबी देओल का तो बहुत लाजवाब काम किया है, उन्होंने जो कमबैक किया है ना, बहुत लाजवाब कमबैक किया है। एंड ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करेगा आपकी रियल लाइफ से, कि एक बाप का रोल क्या होता है, चाचा का रोल क्या होता है। बॉबी देओल, ऑफ कोर्स आई विल कम टू बॉबी देओल, बॉबी देओल आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, सब ने उनका एक बहुत ही रोमांटिक फ्लेवर देखा है बादल मूवी एंड ऑफ कोर्स सभी जानते हैं उनको, लेकिन इसमें कुछ अलग ही उन्होंने किरदार प्ले किया है। एंड मुझको लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा रहेगा। बॉबी देओल सर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उन्होंने। एंड व्हाट एल्स आई कैन से, अभी रणबीर कपूर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ऐसा मूवी आप देखो। ऑलराइट, मैं एक्चुअली आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर, लेकिन एक एक मिनट आपको गूज़बम्प्स मिलेगा। आपने डैडी के साथ देखना चाहिए? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, लेकिन डेयरिंग चाहिए, वो डेयरिंग मुझको इस मूवी को देखने के बाद मिली है। आई विल कम विद माई फादर एंड विल वॉच दिस मूवी, एंड ऑफ कोर्स दिस मूवी इज़ आउटस्टैंडिंग। आई विल गिव लाइक ऑल द लव एंड अनकंडीशनल लव टू दिस डायरेक्टर, कास्ट एंड क्रू एंड द इंटायर टीम ऑफ दिस एनिमल। सीरियसली हैट्स ऑफ टू द कास्ट एंड क्रू, सब ने बहुत मेहनत करी एंड दिस इज़ वॉट वी कॉल रियल बॉलीवुड, रियल इंडियन सिनेमा, वॉट वी कैन से। कुछ साल हो गए हमने बहुत जगह देखा बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट दैट, ब्ला 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 एंड ऑल। लाइक मुझको लगता है कि कभी आपने कुछ साउथ के कुछ स्टार्स की मूवीज़ देख ली एंड एक दो मूवीज़ चल गई तो वाओ वाओ वाओ, एंड दिस इज़ जस्ट व्हाट आई सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो इस फिल्म को पाँच में से कितना स्टार? 5 out of 5, ऑफ कोर्स आई विल गिव। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या अच्छा लगा आपको? द केमिस्ट्री ऑफ द फादर एंड द सन वाज रियली नाइस फर्स्टली, एंड द एक्शन वाज टू नाइस, सो इट वाज रियली। सिंस यू सेड अबाउट द केमिस्ट्री अबाउट फादर एंड सन, मैं पूछना चाहूंगी आपको आपके डैडी की कितनी याद आई? अ लॉट, आई क्राइड, आई इवन क्राइड, नॉट इवन जोकिंग, आई क्राइड। सो इट वाज रियली नाइस, द केमिस्ट्री दैट दे शोन इज वेरी प्योर एंड इट्स नाइस, लाइक यू नो यू कैन रिलेट विद इट। बॉबी देओल कैसे? बहुत अच्छे थे, हिज एक्टिंग आल्सो वाज नाइस, हिज प्ले वाज शॉर्ट बट हिज एक्टिंग वाज रियली नाइस। पांच में से कितना स्टार दे? 4.5। हेलो, कैसी लगी आपको फिल्म एनिमल? फिल्म मतलब बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए, मतलब फैमिली पूरी नहीं है कि यंगस्टर्स हो गए वो जा सकते हैं, मतलब कि जो 18 साल के बच्चे बात कर दिए, छोटे बच्चे नहीं देख सकते, बहुत मतलब वल्गैरिटी है, एक्शन है, सब कुछ है। डैड की याद आई क्योंकि ये फिल्म डैड और बेटे के बॉन्ड की? वो तो याद आई बरोबर, आपने जो बोला ये बात सही है, डैड और बेटे याद आई, याद आई डैड, ऐसे ऐसे क्या देख कर याद आई? मतलब वही पापा और इसका इमोशनल, अनिल कपूर और रणबीर कपूर का इमोशनल बहुत अच्छा, इमोशन से कनेक्ट, इमोशन फुल इमोशनल कनेक्ट, वायलेंस बहुत है, वायलेंस जैसे KGF बोला, वायलेंस 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 बहुत है। बॉबी देओल कैसे लगे आप? बॉबी देओल अच्छे लगे और ज़्यादा एक्टिंग अच्छा है इसका, रणबीर कपूर का मिला, नेशनल अवार्ड मिलेगा उसको। पार्ट टू आएगी लग? हाँ यस, पार्ट टू आ सकती है। पाँच में से कितना स्टार दें? 4। कैसी लगी सर आपको फिल्म? वेरी नाइस, ये मूवी बहुत अच्छी बनी है, इसमें क्या स्टोरी पुरानी है लेकिन जो उसको स्क्रीन प्ले है वो थोड़ा अच्छा है, साउथ वाले स्क्रीन प्ले पे ज़्यादा ध्यान देते, ऐसा नहीं हिंदी वाले भी बनाते हैं,
रणबीर कपूर का काम बहुत अच्छा है। उन्होंने जो रोल मिला है, जो डायरेक्टर ने उनको, जो राइटर ने और प्रोड्यूसर ने जो रोल अप्रोच किया, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जो उनका काम था उन्होंने बहुत बखूबी निभाया, 100% उन्होंने अच्छा काम किया है। हीरोइन का थोड़ा सा जो भी है उसका कैरेक्टर, रश्मिका मंदाना पुष्पा से फेमस हुई है तो लोगों को लगता है कि उस ढंग का कोई कैरेक्टर उसको फिर मिलता, जो मिला उन्होंने अपना काम रश्मिका मंदाना ने भी अच्छा किया है। बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो लास्ट में आता है, उसको क्या कह सकते हैं, गेस्ट अपेयरेंस कह सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो हिंदी फिल्म के सीनियर एक्टर है, सुपरस्टार रहे अपने ज़माने में, तो अच्छा काम है। आपके डैडी की याद आई आप? हाँ, लेकिन मेरे डैडी का और मेरा ऐसा नहीं था, मैं और मेरे डैडी बहुत फ्रेंडली थे और मेरे डैडी इंजीनियर थे और मैं वेट सर्जन हूँ, लेकिन मैं भी एक्टिंग करता हूँ, मैं ये काम नहीं किया और मेरे डैडी उसके लिए खुश होते थे। ये कभी कभी कहीं होता होगा बाप बेटे का, इस तरह से हर बाप बेटे का कहानी नहीं होता है। आपके भी पिताजी आपको प्यार करते होंगे, कैमरामैन के पिताजी भी करते होंगे, तो पिताजी की याद इस ढंग से नहीं आती है। वो तो हर आदमी का पिता अगर घर पे है तो भी याद आती है, और अगर वो दुनिया में नहीं है तो भी याद करना चाहिए। पिता पिता होता है, माता माता होती है। तो फाइनली इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहेंगे? 5? फाइनली फिल्म को नहीं, वो पूरी कहानी को और वो डायरेक्शन को और वो एक्टिंग को 5 स्टार। बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा लगा? कैसे लगी? बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा लगा? सब चीज़ अच्छा था उसमें। कैसे लगी? कैसे लगी फिल्म एनिमल? अच्छी है एकदम। क्या अच्छा लगा? गन वाला सीन। डैडी की कितनी याद आई फिल्म को देख? डैडी की ज्यादा। डैडी की याद आई? हाँ, मेरे डैडी भी सेम ही है, क्या करूँ। क्या देखकर रिलेट कर पाए? क्या रिलेट, किस चीज़ से रिलेट करता है? कहा मेरे डैडी भी सेम है, किस चीज़ से रिलेट? तो जो मूवी में देख रहा हूँ सेम है। अभी बातचीत वगैरह नहीं, टाइम नहीं देते? नहीं टाइम है, अभी अभी देते, पहले नहीं देते थे, अभी देते, मतलब इमोशनल हुए फिर? जी जी हाँ, बाकी रोए नहीं इसी वजह से। बॉबी देओल का काम कैसा? अच्छा है, सबसे अच्छा जो डायरेक्टर ने जो काम किया वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब जो फिल्म बनाया इसी फिल्म और बननी चाहिए। 5 में से कितना स्टार? स्टार के भी ऊपर है। अच्छी फिल्म है। की फिल्म एनिमल अच्छी थी मैम, बहुत जोरदार। हाँ, क्या अच्छा लगा फिल्म? फिल्म में बाप बेटे का प्यार जो था, बेटे का बाप के लिए, बाप तो उसको थोड़ा इग्नोर ही करता है ज़्यादा, इन उसको निगलेक्ट कर देता है, तू क्रिमिनल है, ऐसा है वैसा। बाकी पिक्चर बहुत अच्छी है और बॉबी का रोल और होना चाहिए था, बॉबी 15 मिनट का ही था सिर्फ। हाँ, बॉबी देओल का रोल चाहिए था, इंटरेस्टिंग सीन था, रोल था उनका, बट उनका थोड़ा सा और ज़्यादा समय लेते थे तो और बढ़िया हो जाता था। फाइटिंग बढ़िया हुई, स्टोरी अच्छी है और जो कुछ भी बहुत बहुत बढ़िया है। डैडी की कितनी याद आई फिल्म? किसकी? डैडी की, बाप बेटे की। हम तो नागपुर के पापा की याद आई कि काय उधर रहते, अगर कुछ हो जाए तो हम भी ऐसा खड़ा रहे बाप के बाजू में, तो ऐसा अच्छा था। उसमें अभी पार्ट 2 भी है, उसका हिंट दिया है एंडिंग के 5 मिनट में, दूसरे रणबीर सिंह वर्सेज रणबीर कपूर वर्सेज रणबीर कपूर होगा पार्ट 2। ओके, आपको कितनी याद है? मुझे तो बहुत याद है, क्योंकि जो एक बार मैं मतलब इंस्टा आईडी पे देखा है कि हाँ, जब फैमिली में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ तो साइड में हो जाओ डैडी, मैं खड़ा हूँ सामने, बस उस सीन की याद है, बहुत 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 बढ़िया लगा। ओके, सो बॉबी देओल की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? ऑल दो सीन बहुत अच्छा है, यानी बॉबी की एक्टिंग 5 में से 5 स्टार। साइलेंट है, एक डायलॉग नहीं है, बहुत बढ़िया करेक्टर, वो पूरा आंखों से बोला है बॉबी पर, और लंबा चाहिए था मिनिमम 1-1.5 घंटे का, एंड सेकंड हाफ बॉबी के नाम चाहिए था, पूरे 15-20 मिनट ही बॉबी के, बस और कुछ से ज़्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा सा और चाहिए था करेक्टर बॉबी देओल। 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? 4.5, क्योंकि 4.5 देना चाहिए, क्योंकि बॉबी देओल का और रोल चाहिए था हम लोग को, क्योंकि वो बॉडी शेप से लेकर एक्टिंग वगैरह जो कुछ भी है, जो ट्रेलर में दिखाया था, वो जो इसी नाइफ पकड़ के अंदर बुलाता है, जो हाइप बना था, वो पिक्चर में इतने थोड़ा डिसअपॉइंट किया 15-20 मिनट का दिखा के बस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।